अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के मौके पर झज्जर के नागरिक अस्पताल में कार्यरत नर्स स्टाफ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नर्सों के अलावा उनके परिवार के भी कुछ सदस्यों ने रक्तदान किया। रक्तदान के बाद नर्स अंजू ने कहा कि सरकारी मेडिकल हो या फिर प्राइवेट मेडिकल, सभी स्थानों पर काम करने वाली नर्स सेवा भाव के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। आज इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी सभी नर्स अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा भाव से जुटी हुई हैं। उन्होंने नर्स एसोसिएशन की तरफ से भी सरकार से इस मौके पर उन्हें मेडिकल ऑफिसर का दर्जा दिए जाने की मांग की। सर पर हम नर्सेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं झज्जर में, और इसके उपलक्ष्य में हमने रक्तदान शिविर लगाया है, तो हमारी नर्सेज ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सिर्फ नर्सेज ने ही नहीं, हमारे नर्सेज के पति ने या किसी के बेटे ने या किसी फैमिली मेम्बर ने रक्तदान करके अपना ये जो फर्ज है वो अदा किया है। और नर्सेज का हमेशा से यही योगदान रहा है कि समाज सेवा के क्षेत्र में वो हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में भी आइसोलेशन वार्ड की ड्यूटी करते हुए भी नर्सेज ने रक्तदान करने का ये अपना जो काम है वो संपूर्ण किया है नर्सेज डे के अवसर पर। तो हम सरकार से आशा करते हैं कि वो आज नर्सेज डे के अवसर पर हमारे इन कार्यों को देखते हुए हमें नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दें। कितना यूनिट अभी हमारी 9 यूनिट हो चुकी हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम 14-15 यूनिट आज दें। अभी हमने डोनर बुला रखे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक एक करके हम डोनर को अंदर ले रहे हैं। एक साथ हम भीड़ नहीं इकट्ठी कर सकते, तो वो चीज़ भी हमें मेंटेन करनी। नाम क्या आपका? अंजू। भारत 9 के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।